अगर आप ठंड का लुत्फ उठाने शिमला मनाली जाते हैं तो आप दिल्ली में ही शिमला की ठंड महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, दिल्ली में ऐसी ठंड पड़ रही है जिसने शिमला मनाली जैसी जगहों को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में एक ऐसी जगह जहाँ तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। दरअसल दिल्ली के उजवा इलाके में तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है। उजवा में सोमवार को -0.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस इलाके में रविवार को भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया था। इससे पहले दिल्ली के आया नगर में भी तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया था, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। दिल्ली के उजवा में तापमान माइनस में पहुंचने का दावा एक प्राइवेट वेदर एक्सपर्ट ने किया है। हालांकि अभी तक इस पर मौसम विभाग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजधानी में माइनस में तापमान पहुंचने से लोगों की चिंता जरूर बढ़ी है। आखिर ये उजवा कहाँ है और वहाँ तापमान इतना कम कैसे हो गया, आइए जानते हैं। उजवा इलाका दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आता है। दिल्ली के नदवगढ़ इलाके में बसा उजवा एक गांव है। बताया जा रहा है कि ओस जमने की वजह से ही यहां तापमान माइनस में पहुंच गया है। रविवार को यहां तापमान -0.1 डिग्री दर्ज किया गया था। उजवा राजधानी का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां तापमान माइनस में दर्ज किया गया। प्राइवेट वेदर एक्सपर्ट नवदीप दहिया ने ट्वीट करके दावा किया कि उजवा में तापमान माइनस में पहुंच गया है। उन्होंने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि शीत लहर कल और भी ज्यादा तेज होगी। दिल्ली में 17 और 18 जनवरी को तापमान मौजूदा स्तर से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में शून्य से नीचे तापमान के कारण बेहद ठंड पड़ रही है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में दहिया ने बताया कि सोमवार की सुबह दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। दिल्ली के सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री, झज्जर में 1.4 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 1.4 डिग्री, दिल्ली के लोधी रोड पर 1.6 डिग्री और मानेसर में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज तापमान रिकॉर्ड के नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को भी सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहेगा। ऐसे में दिल्ली की शीत लहर अभी कुछ दिनों तक लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।